तो हे गाइस, अगेन वेलकम टू अवर चैनल। बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और दोस्तों फिन निफ्टी की वीकली चार्ट के ऊपर। आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल पर आप बाय और सेल कर सकते हैं और आने वाले वीक के अंदर अपसाइड में या फिर डाउनसाइड में मोमेंटम कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले फिन निफ्टी का वीकली चार्ट लग रखा है और फिन निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों कंटिन्यू फिन निफ्टी चार हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों 19,650 से लेके यहाँ पर 19,200 के बीच में ही यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम बिता रही है। और दोस्तों टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगी उस साइड में एक मोमेंटम देगी। बट यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल जैसी लास्ट वीक की कैंडल बनी है। बट दोस्तों उससे लास्ट वीक की कैंडल के अंदर ही बनी है, तो दोस्तों ये एक इनसाइड कैंडल सेटअप भी है। और दोस्तों इस इनसाइड कैंडल सेटअप का जिस साइड में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड में एक मोमेंटम आपको वीकली चार्ट पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जिस साइड में ब्रेकआउट देखा तो आने वाले दिनों के अंदर कौन सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर 19,200 या फिर दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करता है 19,400 के लेवल को तो 19,200 के आसपास आता हुआ डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों 200 को ब्रेक करेगा तो 18,800 के आसपास भी आता हुआ मार्केट डाउन साइड में स्लो एंड स्टडी आ सकता है। तो यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 19,650 के ऊपर कोई कैंडल डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग देती है तो दोस्तों अपन कंटिन्यू वीकली चार्ट के ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और दोस्तों पॉजिटिव मार्केट में 19,800 और 20,000 और 20,200 के आसपास भी जाते हुए अपन दिखाई दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कुछ नहीं करता है मार्केट तो इन बिटवीन ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ इस वीक भी देखने को मिल सकता है। और मंथली एक्सपायरी के टाइम पर एक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को 100% नहीं ट्रेड करेंगे, 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे डाउन साइड में चाहे अपसाइड में, क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी रेंज बॉन्ड के अंदर ही है। इस रेंज के अंदर अपनी 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को अपन वीकली चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्रीमियम कोर्स आने वाला है। वो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये भी एक ही रेंज के अंदर है। मैंने ऑलरेडी आपको रेंज बता रखी है, जो रेंज है यहाँ पर आपको 43,500 से लेके यहाँ पर 44,500 के बीच में 1000 पॉइंट की इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है मार्केट। और दोस्तों इसमें देखेंगे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखेंगे लास्ट वीक के कैंडल कैंडल ही कैंडल बनी है, और ये एक इनसाइड कैंडल भी है और एक शूटिंग स्टार कैंडल नेगेटिव कैंडल भी है। तो दोस्तों ये क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं यहाँ पर, बट दोस्तों ये इन्वर्टेड हैमर ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों इसका लो क्रॉस करेगा तो अपन डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम देंगे। बट दोस्तों ये इनसाइड कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, तो कंटिन्यू अपन नेगेटिव ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 43,800 के नीचे अपन वीकली चार्ट के ऊपर नेगेटिव होंगे और डाउन साइड में अपन कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। जो पहला टारगेट 43,500 का, फिर 43,000 के आसपास, और दोस्तों फिर यहाँ पर 44,800 और 42,500 के आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं डाउन साइड में। अगर दोस्तों ब्रेकआउट देती हैं ये दोस्तों 500 का लेवल 44,500, तो 45,000 भी आपको देखने को मिल सकता है। 45,000 ब्रेक करेगी तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू आपको फिर 45,500 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर आप यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों इन बिटवीन जब तक मार्केट रहता है तो 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिए। कोई ज़्यादा क्वांटिटी के साथ आप डेली चार्ट पे ट्रेड करें, चाहे आप 50 मिनट के चार्ट पे ऊपर करें, चाहे आप 5 मिनट के ऊपर करें, आप अपनी क्वांटिटी को रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज अभी देख लेते हैं निफ्टी को अपन वीकली चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे और कौन से लेवल पर अपन को बाय और सेल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, टॉप के ऊपर नेगेटिव कैंडल बनी है, और दोस्तों जहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए वहीं से मार्केट कंटिन्यू इस रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर रेजिस्ट कर रहा है। और दोस्तों पिछली बार भी यहाँ पे जब भी आता है देखेंगे अपसाइड में जब भी आया है इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, माने कि 18,655 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है वीकली चार्ट के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगा तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। बट दोस्तों ये जो कैंडल बनी है वो नेगेटिव कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है, और इसका
लो क्रॉस करेगा तो डाउन साइड में कंटिन्यू अपन ट्रेड करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम अपने को डाउन साइड में देखने को मिलेगा। 18,000 और 18,250 का पहला टारगेट रहेगा अपना। और दोस्तों ये टारगेट अच्छी होता है तो यहाँ से कोई थोड़ा सा बाउंस ब्रेक मिलता है तो फिर यहाँ पर वापस सेल करने की कोशिश करेंगे, फिर 250 और 18,000 को भी ब्रेक करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये इसका हाई क्रॉस करके अप साइड में निकलता है कंटिन्यू तो 19,000 और आने वाले टाइम में 19,200 का टारगेट भी वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखेगा। तो कुछ इस तरीके से अपन वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और फिन निफ्टी को। तो दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो अपन यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों लर्निंग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।